Friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. आज के वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा ही खास भी, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम द ट्रीज और इसकी पोएटिस हैं एडरिन रिच के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पोएम का जो बेसिक कंटेंट है, जिस पर मैंने हमेशा से बात की है कि ट्रांसलेशन पर मत जाइए, किसी भी पोएम का, किसी भी लेसन का जो बेसिक एलिमेंट है उसको जरूर टच करिए। तो पोएम हमसे जो कहना चाह रही वो ये, इंसान ने प्रकृति की सुंदरता को, फिर चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, खूबसूरत पत्थर हो, लाकर अपने घरों में कैद कर लिया है। अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए दुनिया की सुंदरता को, दुनिया की शोभा को, दुनिया की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। अब वो सुंदरता, वो ब्यूटी, वो शोभा वापस जाना चाहती है अपने खुद के घर। इसीलिए पोएटिस एडरिन रिच ऐसा इमेजिन करती हैं कि उनके घर के सारे ट्रीज प्लांट्स धीरे धीरे घर छोड़कर जंगल की ओर जा रहे हैं। वो जंगल जो वीरान हैं, सूने हैं, खूबसूरत हरियाली के बगैर, पेड़ों की छांव के बगैर और उससे भी ज़्यादा पक्षियों की चहचहाट के बगैर। बाकी मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है, आइए इसे हिंदी में एक्सप्लेन करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें आपका सबसे खास और पसंदीदा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। द ट्रीज आर मूविंग आउटसाइड, पेड़ धीरे धीरे गति कर रहे हैं बाहर की ओर, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, फ्रॉम द पोएट्स हाउस, कवित्री के घर से। शी वॉन्ट्स टू टेल अस, वो हमसे कहना चाहती हैं दैट मैन हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, इंसान ने जंगलों को नष्ट किया है, एंड केप्ट दोज ट्रीज इनसाइड देयर हाउसेस, और उन पेड़ों को, उन पौधों को, फूलों को अपने घरों में कैद कर लिया है। नाउ ऑल द ट्रीज आर रिटर्निंग टू देयर रियल होमलैंड, अब वे सारे पेड़ घर वापस जाना चाहते हैं, बिकॉज इन बंद कमरों में उन्हें वो सांस नहीं मिल रही जो वो चाहते हैं, क्योंकि किसी का भी जो असली आशियाना होता है उसे वहीं सुकून मिलता है। जैसे हमें अपने घरों में, ऐसे ही पौधों और पेड़ों के घर जंगल हैं, हमारे घर नहीं। शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, वो लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है, विद द डोर्स ऑफ हाउस ओपनिंग टू द वरांडा, और घरों के दरवाजे खोल दिए हैं जिससे वो सारे पेड़ घरों से वापस अपने घरों तक जा सके। इट इज द फुल मून लाइट, और आज पूनम की रात है, या फिर कह सकते हैं चांदनी रात है। नाउ शी कैन हियर, अब वह सुन सकती है क्या, द ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू द एफर्ट्स टू द ट्विग्स, कि जो पेड़ों के तने हैं उनसे खिड़कियों के शीशे टूट रहे हैं क्योंकि पेड़ निकल कर बाहर जा रहे हैं। द ट्रीज आर सो टॉल, अब पेड़ इतने ऊंचे हो गए हैं, दैट दे हैव द मून इन टू पीसेस, कि वे चांद को शीशे की तरह टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। पोइटिस ये मैसेज देना चाहती है कि जब हम किसी पर जुल्म करते हैं, किसी को कैद करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, एक दिन उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो उसका बदला लेता जरूर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।